हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का इस सत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित श्रीमद् भगवत गीता जयंती महीना में हम सब भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण को परम प्रिय, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने वाली एकादशी तिथि अगले 2 तारीख को आ रही है। हम लोग पिछले कुछ सत्रों से एकादशी की महिमा का श्रवण यहाँ पे करते आ रहे हैं। भक्तों, ये एकादशी तिथि भगवान को अति प्रिय है। एकादशी समस्त व्रतों का राजा है। अन्य अन्य व्रत रहने से अन्य देवी देवता संतुष्ट हो सकते हैं, परंतु एकादशी व्रत रहने से, एकादशी व्रत का पालन करने से अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत अनंत लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। ये एकादशी हरि को प्रसन्न करने वाली तिथि है और इसलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी को हरिवात्सल्य कहा गया है। एकादशी का बहुत बड़ा उत्सव है। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतन पालन करी है। ये माधव तिथि कृष्ण को, लक्ष्मी के नाथ को प्रसन्न करने वाली एकादशी, यत्न पालन करी, यत्न करके, मेहनत करके, परिश्रम करके इस एकादशी तिथि का हमें पालन करना चाहिए, जिसका पालन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो 33 कोटि देवी देवता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि यदि जड़ में पानी चला गया तो पत्तों को, डालों को सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। जड़ में पानी गया तो ऑटोमेटिकली पत्ते में, फूल में, उसके तने में पानी चली जाएगी। इसलिए यदि हम एकादशी तिथि का पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जो एकादशी करते हैं वो पाप रहित हो जाते हैं। जो एकादशी को अन्न नहीं करते, अन्न नहीं खाते हैं, उनका जो पाप है वो अन्न में जाकर बैठ जाता है। और जो एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसका जो पाप हमने छोड़ा वो पाप उनके अंदर चला जाता है। इसलिए कहते हैं यदि एकादशी को कोई अन्न खाता है तो वह अन्न नहीं, वह पाप को खाता है। क्योंकि एकादशी के दिन मूर नाम के राक्षस का, पापी यशुर का वास अन्न में होता है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी निष्ठा ही हमारी प्रधान निष्ठा होनी चाहिए। एकादशी करने वाले पाप रहित होकर भगवान धाम के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा तमाम शास्त्र के वचनों में लिखा हुआ है कि जो एकादशी करते हैं वो पाप रहित हो जाते हैं और भगवान धाम के अधिकारी हो जाते हैं। एक संत, वृंदावन के संत, बहुत सुंदर अपने जिंदगी का सच्ची घटना सुनाते हुए कहते हैं, घटी हुई घटना, सच्ची घटना। ज्यादा 60-70 साल होता होगा, उससे ज़्यादा नहीं। वो संत कहते हैं कि मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, मथुरा से कलकत्ता जा रहा था। तो मुगल सराय स्टेशन है ना, मुगल सराय स्टेशन पटना के पास, इलाहाबाद के बाद पटना के पास है मुगल सराय स्टेशन। वहाँ पर एक पंडित जी चढ़े, बनारसी पंडित जैसे होते हैं ना, रुद्राक्ष, तुलसी, तिलक भस्म लगाए हुए एक पंडित जी चढ़े। वो बैठे तो जिस डब्बे में वो चढ़े थे उसी डब्बे में बनारस के कोई उनका ही परिचित व्यक्ति चढ़ा हुआ था, परिचित पंडित जी चढ़ा हुआ था। दोनों मिले, दोनों का टिकट एक ही कोच में था, एक ही डिब्बे में था। तो दोनों मिले, बड़ा आनंद हुआ, सहसा मिले थे, अचानक मिले थे, फोन तो था नहीं उस जमाने में। दोनों मिले, बहुत सुंदर वार्तालाप हुई, दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद हुआ।
ये संत और दोनों पंडित एक ही डब्बे में थे, ये कोइंसिडेंस था, एकाएक मतलब कुछ ऐसा था कि दोनों तीनों एक ही स्थान पर बैठे। बहुत सुंदर दोनों के बीच में संवाद हुए। और होते ना बनारस के पान बहुत फेमस होते हैं, वाराणसी पान बहुत फेमस होते हैं, दुकान भी लगते तो बनारस का पान है, भले पान हो या ना हो लेकिन नाम बनारस का। तो जो बनारस वाले पंडित जी थे उन्होंने पहले से बनारस से दो चार पान लगा कर रखे थे, पान की डिब्बी होती है उसमें भर के रखे थे। तो जैसे ही उनके मित्र ये चढ़े तो उन्होंने वो डब्बा खोला और कहा मित्र पान लीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं आज एकादशी है और हम तंबूल नहीं लेते, एकादशी के दिन हम पान नहीं खाते, क्योंकि भक्तों एकादशी के दिन पान खैनी तंबाकू नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग एकादशी कर तो लेते हैं लेकिन उनकी ये आदत नहीं छूटती है, चाय पीना, पान खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, ये नहीं छूटती है। कहते हैं इस दिन इन सब चीजों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहां तो बोलते चाय तो फलाहार है, चाय तो चलता है लेकिन चाय नहीं चलता है, चाय आम दिन में मतलब बिना एकादशी के हम लोग नहीं पीते हैं, और लोग उपवास करके एकादशी के दिन चाय पीते हैं। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि यदि एकादशी के दिन कोई पान खाता है तो पान का रस होता है ना वो लाल लाल, उसके मुंह में जो लाल लाल पान का रस होता है उसके पीने की पाप की तुलना गाय के खून पीने से है डायरेक्ट। कुछ दिन पहले ही मैंने एक शास्त्र में पढ़ा कि जो एकादशी के दिन पान खाता है उसके रस का पान करता है, वो रस पिए और गाय का खून पिए दोनों में एक ही है। तो ऐसी हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि एकादशी के रोज हम पान नहीं खाएं, सिगरेट ना पिए, बीड़ी ना पिए, खैनी नहीं खाएं। सोचिए पान में तो क्या बोलते नशा भी नहीं होता है लेकिन जब उसे खाने से इतना पान पलकता है तो खैनी खाने से और तंबाकू खाने सिगरेट पीने से कितना पाप लगता होगा। तो सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वैसे भी सब चीज़ों को खाना नहीं चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। तो उस पंडित जी ने कहा आज एकादशी है हम तंबूल नहीं लेते। तो उन्होंने हंस कर कहा अरे पंडित जी आप भाई एकादशी के चक्कर में कहाँ पड़ गए, क्या एकादशी विकादशी करने लगे हैं, आप भी सब एकादशी विकादशी के चक्कर में पड़ गए। तो संत महाराज सुनाते हैं कि मेरे सामने ही उस पंडित जी ने जो घटना सुनाई वो बहुत अद्भुत घटनाएं थी। बोले क्या थी, कहते पंडित जी ने कहा कि पहले हमारी निष्ठा नहीं थी एकादशी व्रत के पीछे, एकादशी व्रत के ऊपर हमारी कोई निष्ठा नहीं थी, हम तो प्रदोष व्रत करते थे, एकादशी व्रत नहीं करते थे। तो हम एक दिन अपने ही घर में कुछ लिख रहे थे, कुछ शास्त्र का लेखन कर रहे थे, उसी बीच हमारे गांव का एक कहार का लड़का जो जवान अवस्था में जवानी में ही युवा अवस्था में मर चुका था वह आकर मेरे सामने ही खड़ा हो गया। हम तो पसीने पसीने हो गए कि भीतर से कुंडी लगी हुई है और ये लड़का मर गया था कैसे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे डरते हुए देखकर उस लड़के ने कहा कि पंडित जी आप डरो मत, हम आपका कुछ अनिष्ट करने नहीं आए हैं, हम तो आपका केवल दर्शन करने आए हैं। पंडित जी ने कहा तुम तो मर गए थे, क्या स्थिति है अभी तुम्हारी। कहा मर गए थे, हम मर गए थे और अब हमको यमदूत बना दिया गया है, तो गांव के फलाने व्यक्ति को हम लेने के लिए आए हुए हैं, उसका समय पूरा हो गया है। यमदूत जानते हैं किसको बनाया जाता है, यमदूत किसको बनाया जाता है जानते हैं, कहते पाप करके नरक में जाता है, नरक में गया नरक की यातना भोग कर फिर धरती पर आया, 84 लाख की योनि काटा, भगवान ने कृपा की मनुष्य बना, फिर मनुष्य बनकर फिर पाप किया, फिर नरक में गया, फिर पाप भोगा, फिर पृथ्वी पर आया, भगवान ने कृपा की 84 लाख से मनुष्य में मिला, फिर से पाप किया, फिर नरक में गया, भोग किया नरक के पापों का कष्ट यातनाएं सही, फिर पृथ्वी पर आया और फिर जब वह पाप करके पुनः
नरक में जाता है जब इस तरह से कम वह 100 बार कर लेता है, यातना भोग लेता है, कम से कम जब 100 बार 100 बार ऐसे नरक का चक्कर लगा लेता है, उसे यमराज कहते हैं, वाह बड़ा भारी भगत है यम नरक का, बड़ा प्रिय है इसे नरक, बार बार यहाँ जाता है, बार बार इसे मोक्ष का अवसर दिया जाता है और बार बार ये मोक्ष प्राप्ति ना करके नरक में चला आता है, घूम करके बार बार ये नरक में ही आता है। तो जब इतना श्रद्धावान है नरक के प्रति, तो क्यों ना इसे दीर्घ काल के नरक में ही रख लिया जाए और कोई कार्य सौंप दिया जाए नरक का। तो जब ऐसे कोई 100 चक्कर लगा लेता है नरक का, तो उसे यमदूत बना दिया जाता है, क्योंकि उसको अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। वो तो घुमा हुआ रहता है कि कौन से नरक में क्या कानून है, क्या काम है, सारे नरक का कानून उसे मालूम रहता है। अलग से कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, पूरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को यमदूत बना दिया जाता है। तो बोले, महाराज हम यमदूत बन चुके हैं, फलाने व्यक्ति को लेने के लिए आए, तो सोचा आपके दर्शन करते चलूं, कहीं आपके दर्शन से कुछ पुण्य मिल जाए और मुझे नरक से छुटकारा मिल जाए। तो पंडित जी ने कहा, भाई वो फलाना व्यक्ति तो अभी अभी अपने पुत्र की विवाह का लगन निकलवा कर गया है। कहा, लगन विगन से क्या होता है, उसका दिन पूरा हो गया है, अब ये लगन विगन कोई मायने नहीं रखता, थोड़ी देर में वो जाने वाला है। अच्छा अब समय हो गया, मैं चलता हूँ, उस यमदूत ने कहा। पंडित जी ने कहा कि मैंने उसे जाते जाते उसे पूछा कि तुम्हारे नरक का नियम क्या है, कौन कौन जाते हैं वहाँ, किसे यातनाएं मिलती और किसे यातना नहीं मिलती है। तो जाते जाते यमदूत ने कहा कि जो कंठ में तुलसी धारण करता है और जो एकादशी व्रत करता है, जो एकादशी व्रत करता है, कंठ में तुलसी धारण करता है और भाल पर उर्ध्वपुंड तिलक करता है, उसे नरक में यातनाएं नहीं दी जाती, उसे नरक में नहीं लिया जा सकता है। साक्षात यमदूत ने पंडित जी को कहा, नरक में उसे लेकर नहीं जाया जाता है जो एकादशी व्रत करता है, कंठ में तुलसी धारण करता है और भाल पर तिलक उर्ध्वपुंड तिलक करता है, उसे नहीं लेके जाया जाता है। फिर यदि ऐसे व्यक्ति से कोई पाप बन जाए, कोई पाप कर दे जो तुलसी धारण करे, एकादशी करे, तो उसे नरक में नहीं लेके जाया जाता है, उसे भगवान ही कुछ सजा देते हैं। अब भगवान ही उसे देते हैं, भगवान भुगावे, भगवान दंड दे, ये सब भगवान का विभाग है, भगवान का लुकआउट है। जो एकादशी करता है, तुलसी करता है, धारण करता है, उससे कोई पाप हो जाए तो उसे नरक में नहीं लेके जाया जाता है। एकादशी और तुलसी का आदर करने वाले को नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, कह के चला गया। थोड़ी देर में गांव में रोना धोना शुरू हो गया। कहा, क्यों रो रहे हो पंडित जी ने? कहा, फलाने व्यक्ति चल बसे, बस खत्म हो गए। तो अभी वो पंडित जी ने दृश्य दिखा था और उसके तुरंत बाद जिस व्यक्ति के बारे में बताया था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो पंडित जी बोले कि उस दिन से मैं तुरंत निश्चय कर लिया, तुरंत तुलसी पहन ली, तुरंत तिलक लगा ली, अपने बालकों को भी तुलसी पहना दी, बिना देरी किए हो गए। और उस दिन से अब मैं घूम घूम कर सबसे कहता हूं कि भैया तुलसी पहन लो और एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दो। तो आप में भी जो एकादशी ना कर रहे हैं वो एकादशी शुरू कर दीजिए, 2 तारीख को एकादशी है, और जिन्होंने अभी तक तुलसी नहीं पहनी है वो तुलसी पहन लीजिए, तुलसी माला है मेरे पास, जिनको चाहिए तुलसी पहन लीजिए, मोस्ट है। देखा ना, अभी उस यमदूत ने साक्षात कहा कि जो तुलसी पहनता है और जो एकादशी व्रत करता है उसे नरक में नहीं लेके जाया जाता है, अतः जितना जल्दी हो सके पहन लीजिए। तुरंत तुलसी पहन ली, तुरंत तिलक लगा ली, अपने बालकों को तुलसी पहना दिया, और हम घूम घूम कर सबसे कहते हैं कि तुलसी पहन लो और एकादशी का व्रत करो और जितना हो सके महामंत्र का जाप करो। तो हमने उस दिन से एकादशी शुरू कर दी, पंडित जी आप भी शुरू कर दो। इस सच्ची घटना है भक्तों, बहुत सुंदर संत हैं जो इस घटना को सुनाते हैं, और हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। साइंस के अनुसार से, विज्ञान के अनुसार से भी यदि देखें
तो हर एक 15 दिन में 15 डेज में हमें अपने बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। हर एक 7 दिन के बाद काम से तो हम आराम देते हैं शरीर को, लेकिन अंदर के शरीर को आराम नहीं देते। तो हर एक 15 दिन में हमें उपवास रखकर उसे आराम देना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी व्रत करते हैं वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। और क्योंकि यमदूतों को आदेश है, यमराज का आदेश है, ये तो इसे पंडित जी ने सुनाया और ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यमराज जी ने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज़ कौन है यमराज के, यमदूत हैं, कर्मी कौन है, यमदूत ही है ना उनके कर्मी। हम जैसे ऑफिस में काम करते हैं, हम बॉस हैं तो हमारे कुछ कर्मी होते हैं, हमारे अंदर वो काम करते हैं, तो यमराज के अंदर कौन काम करते हैं, वही यमदूत जो लेके जाते हैं, फिर उसे यातनाएं देती है। तो जब हम कोई एम्प्लॉय बहाली करते हैं तो उसे ट्रेनिंग देते हैं ना, हमारे लड़के का नौकरी होता है तो उसे ऑफिस में पहले ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। तो जब अमराज यमदूतों की बहाली करते हैं तो उसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या ट्रेनिंग में देते हैं मालूम है, तो बोलते हैं उनके पास मत जाना जो तुलसी पहना हो, सबसे पहला ट्रेनिंग कि उनके पास भूल से भी मत जाना जो तुलसी पहना हो, उनके पास भी मत जाना जो एकादशी करता हो, और जो उर्द्धपुंड तिलक करता हो उनके पास भी मत जाना, और जो हरि नाम जाप करता है उसके पास तो बिल्कुल भी मत जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो एकादशी व्रत करता है कंठ में तुलसी धारण करता है, भाल पर उर्द्धपुंड तिलक करता है, और जो हरि नाम का जप करता है उसे नरक में यातनाएं नहीं दी जाती, उसे नरक में लेके नहीं जाया जाता। अतः जितना जल्दी हो सके 2 जनवरी को ही एकादशी है, एकादशी कर लो, और जिन्होंने अभी तक तुलसी धारण नहीं किया वो तुलसी ले लो, अर्जेंटली, मोस्ट अर्जेंट वर्क है हमारा ये, हमें करना ही चाहिए। क्योंकि हमने देखा ना, पूतना सिर्फ और सिर्फ तुलसी और एक तिलक लगा के आई थी तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और अपनी माँ बना ली, माता का स्थान दे दिया, कोई भाव नहीं था, वो तो भगवान को मारने के लिए जा रही थी, मुंह में राम बगल में छुरी वाला भी भाव नहीं था, छुरी तो सामने लेके जा रही थी भगवान को मारने वाला, है मुंह में भी राम नहीं था, सिर्फ कंठ में तुलसी थी और बाल पर उर्द्धपुंड तिलक था। उसे देखकर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि पूतना को माता का स्थान दे दिया। तो यदि हम प्रेम से भगवान की प्राप्ति के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए यदि हम तुलसी और तिलक लगाएंगे तो क्या भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे भक्तों। इसलिए जितना जल्दी हो सके एकादशी शुरू करो, तुलसी पहन लो, और जप तो ऑलमोस्ट सभी लोग शुरू कर चुके हैं, जो जप ना कर रहे हैं वो जप भी शुरू कर दो आज से ही, है? बोलते जो अच्छे काम होते हैं उसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, इसलिए जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। और आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूं ऐसा बोल के, कंठी पहनो, तुलसी पहनो, तिलक लगाओ, जप करो, मैं डरा नहीं रहा आपको, डराने से क्या मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम है, मैं तो कर रहा हूं। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सोचो, है? कि इतना बड़ा शहर है, इस सिटी में यदि कोई गलती करता है तो उसको सजा देने के लिए कौन है, कौन उसको पकड़ के लेके जाता है, पुलिस पकड़ के लेके जाता है, कोई चोरी किया, कोई मर्डर किया तो उसको पकड़ कर कौन लेके जाता है, पुलिस लेके जाता है, और उसको सजा देने के बाद क्या करते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। तो जब इतनी छोटी सी शहर के लिए, इतनी छोटी सी सिटी के लिए सरकार ने एक जेल की व्यवस्था की है, तो भगवान इतने बड़े संसार को चला रहे वो एक कोई जेल की व्यवस्था नहीं करेंगे, जरूर व्यवस्था है भक्तों। जो यदि हम पाप करते हैं यहाँ पर तो उसकी सजा हमें अवश्य मिलेगी, और उसके लिए भगवान ऑलरेडी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। अतः यदि हमें इस जेल में जाने से बचना है तो हम क्या करते हैं, कोई जुर्म नहीं करते हैं यहाँ पे, किसी का मर्डर नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं,
तो यदि भगवान के जेल में जाने से बचना है तो पाप मत करो, लेकिन हमसे पाप होगी ही, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो उसमें कितने कितने छोटे छोटे मोटे जीव जंतु को मार देते हैं, और चलते हैं तो कितने सारे चींटियां को मार देते हैं हम, तो पाप तो होगी ही हमसे। तो उस नरक में जाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुलसी पहनना पड़ेगा, एकादशी पहन करना पड़ेगा, हरिनाम का जाप करना पड़ेगा, महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सब ये सारी क्रियाएं शुरू कर दीजिए, ये सारे नियम का दृढ़ता से पालन कीजिए। आइए गत सत्र से हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का श्रवण करते आ रहे हैं बहुत सारे सत्रों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गत सत्र में हमने श्रवण किया कि भगवान ने सत्तासुर का उद्धार किया, भगवान ने अपनी लात मारी और वो बैलगाड़ी उछलकर आकाश में चली गई, आकाश से गिरी तो सारे बालक निकट आ गए और अंदर जितने भी अतिथि आए थे सब लोग बाहर आ गए, और बाहर आकर तुरंत उस गिरी उती हुई बैलगाड़ी को देखे। यशोदा मैया ने जब उस टूटी हुई गाड़ी को कृष्ण के ऊपर देखा तो मूर्छित होकर गिर गई। सारे लोग नंद बाबा आए, उस गाड़ी के टूटे हुए पार्ट को अलग किए तो भगवान श्री कृष्ण अंदर खेल रहे थे। सब लोग सोचने लगे कि ये आखिर बैलगाड़ी गिरी कैसे, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो और गाड़ी उछल जाए और फिर गिरे, आखिर ये हुआ कैसे, सब लोग पूछने लगे। तब जो बगल में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वो बोले कि हम जानते हैं ये कैसे गिरी, बचाओ बच्चों कैसे गिरी। तो बोले कृष्ण रोने लगा और जब ये रोते रोते अपना पाँव चलाया, पाँव मारा तो ये बैलगाड़ी उछल गई। बच्चों की वाणी परम वेद से भी सत्य थी, लेकिन कुछ बुजुर्गों को इतना अभिमान होता है कि बच्चों की बातों पर भी विश्वास ही नहीं करते। चुप रहो, इसके पाँव मारने से बैलगाड़ी उछलेगी, ये तो 3 महीने का बालक है, इसके पाँव मारने से बैलगाड़ी उछलेगी, मूर्ख बालक। अरे मूर्ख तो बालक नहीं तुम है, है? इस प्रकार से भगवान की रक्षा हुई, कृष्ण की रक्षा हुई, कृष्ण ने सत्तासुर का उद्धार किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन यशोदा मैया कृष्ण को उठाकर कहीं जा रही थी, यशोदा ने एहसास किया कि कृष्ण का वजन बढ़ गया है। कृष्ण दिखाना चाहते थे भक्तों कि मैया आगे और एक लीला करने वाला हूँ, बहुत बड़ा विमान आएगा मुझे आकाश में लेकर जाएगा, तो तुम टेंशन मत लेना क्योंकि मैं बहुत वजन वाला हूँ तो मैं नीचे आ ही जाऊँगा। लेकिन ये थोड़े ही समझने वाले थे, कृष्ण चाहे कितनो हूँ बड़े लीला करे, कितनो हूँ ऐश्वर्य प्रकट करे, ये तो वात्सल्य भाव में शराब हो रहे हैं, इनके लिए तो कृष्ण इनका छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा बालक है इनका। पूतना को मारा तो ब्रजवासियों को लगा कि देवताओं की बहुत बड़ी कृपा है इस पर, जबकि इसकी कृपा देवताओं के ऊपर है, कृष्ण की कृपा देवताओं के ऊपर है, देवताओं की कृपा कृष्ण के ऊपर नहीं। लेकिन नंदवासियों ब्रजवासियों को लगा कि देवताओं की इस पर बहुत बड़ी कृपा है। फिर सत्तासुर को मारा तो सारा श्रेय देवताओं को गया कि देवताओं ने सत्तासुर को मार दिया। और जब कंस ने बहुत बड़े असुर को भेजा जिसका नाम था तृणावत, तृण को आवृत करके बहुत बड़े आंधी तूफान को लेकर आता था ये तृणाव्रत, तो ये तृणाव्रत कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में आया। गोकुल में आंधी तूफान होने लगी और इतनी बालू धूल ऊपर की ओर उड़ी कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाए, और तृणाव्रत असुर कृष्ण को लेकर आकाश में चला गया। शुरू में तो कृष्ण को बड़ा मजा आया, आहा बड़ा ऊपर जा रहा हो, बड़ा आनंद आया उसे, बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन ये नीचे जाने का नाम ही नहीं लेने लगा, ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था।
त्रिणावत ने सोचा कि मैं इसे बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा और वहां से पटक दूंगा। त्रिणावत कहां जानता था भक्तों कि उसने जिसे उठाया है वो कोई साधारण बालक नहीं, अरे वो तो तेरे काल के भी काल का पाप है, वो तो विकराल है। कृष्ण जब बहुत ऊपर गए, बहुत आनंद ले लिए, बोले अब हो गया, अब आनंद बंद करो, तब कृष्ण ने सोचा कि अब इसको मारना पड़ेगा। कृष्ण ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ त्रिणावत के गले में लगा दिया। कृष्ण अपने छोटे छोटे हाथों से त्रिणावत के गला को दबाने लगा। त्रिणावत को पहले लगा कि ये तो बालक है, तुरंत छुड़ा लूंगा, लेकिन इसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होने लगी। अब त्रिणावत इसे छुड़ाने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन कृष्ण का स्वभाव है, पुतनावध में सुना ना आपने कि कृष्ण तो एक में जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। एक बार मन लग गया तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। व्रज में जब किसी गोपी का विवाह होता था ना, गोप का विवाह होता था, नई नवेली दुल्हन घर पर आती थी, तो पहले दिन तो उसकी सास ट्यूशन देती थी उसे, पूरा दिन ट्यूशन क्लास लेती थी। बोल देखो बहू रानी, तुम यहाँ नई नई आई हो, तुम नदी किनारे यमुना में पानी भरने जाओगी ना, तो घूंघट तान के चलना, आजू बाजू देखना मत। नई नवेली दुल्हन कहती थी, क्यों माता जी, यहाँ कोई भूत रहता है क्या? बोल अरे बहुत बड़ा भूत रहता है, काला रंग का भूत रहता है, और ऐसा भूत है कि एक बार किसी के ऊपर चढ़ गया तो उतरने का नाम ही नहीं देता। ये बहुत बड़ा ग्रह है, ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाता है उसके मंगल और शनि तो फीके पड़ जाते हैं। यदि किसी को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया तो मंगल शनि बुध बृहस्पति सारे ग्रह पीछे छूट जाते हैं, फिर कोई ग्रह ही उसे नहीं लगता। बहुत बड़ा भूत है। और भागवत में भी ये शब्द आया है भक्तों प्रहलाद महाराज के लिए कि कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ना वेद जगती दृश्यम। प्रहलाद महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था, दुनिया की कोई ताकत उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई, हिरण्याकश्यप को कुछ बिगाड़ नहीं पाए, होलिका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और सर्प कुछ बिगाड़ नहीं पाए, पहाड़ से फेंका गया उनको, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो कृष्ण रूपी ग्रह यदि किसी को पकड़ लेता है तो वो छोड़ते नहीं, और उसी कृष्ण ग्रह रूपी ग्रह ने आज त्रिणावत का गला पकड़ लिया था। भगवान त्रिणावत के गले को दबाने लगे, त्रिणावत अब अवरुद्ध होने लगा। अब तो त्रिणावत कृष्ण को मारने की बात दूर रही, अपने जान बचाने के लिए कृष्ण को छुड़ाने लगे, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे थे, और कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया और ये त्रिणावत आकाश से गिरा। सारे व्रजवासी आए, देखा इतना बड़ा असुर मर चुका है और कृष्ण ने उनके शरीर पर खेल रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। ये त्रिणावत भी भक्तों पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था। श्री गोपाल चंद्र भगवान की। तो ये त्रिणावत भी पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था, इसका नाम था शास्त्राक्ष, धार्मिक राजा था। अपनी पत्नियों को साथ में लेकर एक दिन किसी नदी में स्नान कर रहा था, निर्वस्त्र स्नान कर रहा था, और उसी समय इस दुनिया के फेमस ऋषि जो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत श्राप देते हैं, सबसे ज़्यादा श्राप देने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ ऑल रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, और इनका नाम है क्या? दुर्वासा ऋषि। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और अकेले नहीं चलते, 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर चलते हैं। तो पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष नदी में स्नान कर रहा था, निर्वस्त्र था, और दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ उसी सड़क से जा रहे थे, और उनको देखकर इनको लज्जा नहीं आई। देखिए, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती समझ पने आ जाने पर उसका पश्चाताप करना, लज्जा आना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य में यदि भय और लज्जा ना हो तो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो तो पशु के समान है ना। भय होना चाहिए, गुरु का भय होना चाहिए, अपने माता पिता का भय होना चाहिए, सिद्धांत का भय होना चाहिए, शास्त्र का भय होना चाहिए, प्रकृति का भय होना चाहिए।
लज्जा होनी चाहिए, और लज्जा भी तो एक आभूषण है ना मनुष्य का। तो इनको लज्जा नहीं आई, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि तुम लाखों लाखों साल तक असुर बने जाओ, यसुर ओणी में भ्रमण करोगे। यसुर बना दिया और इनके हृदय में पश्चाताप हुआ, दुर्वासा के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे, निवेदन किया। दुर्वासा जी को दया आई, वरदान दिया, यसुर तो तुम्हें बनना ही होगा क्योंकि मैंने श्राप दिया है। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आएंगे और जब तुम्हारा वो अपने हाथों से मारेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार त्रिनाव्रत का इतिहास भक्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते सुनते 5 दिन बीत गए, दशम स्कंद के 7वें अध्याय बीत गया, अब तक भगवान का नाम नहीं लिया गया। सुखदेव गोस्वामी अभी भी कृष्ण को कृष्ण नहीं पुकारते थे क्योंकि अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। बालक कहते थे, यशोदा नंदन कहते थे, यशोदा पुत्र कहते थे, लेकिन नाम नहीं लिया था अभी। सुखदेव गोस्वामी को हुआ कि अब इनका नामकरण कर लेना चाहिए ताकि कथा बोलने में सहूलियत हो। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान भागवत के 1 अध्याय में भगवान की नामकरण की लीला बताते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कहते हैं, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम शु महापपा व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदित। 8वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, यदुओं के बहुत बड़े पुरोहित थे जिनका नाम था गर्गाचार्य। पुरोहित का अर्थ है भक्तों पुरम हित करोति इति पुरोहित, जो केवल अपना ही नहीं, अपने कुटुंब का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, अपने पूरे कुल का, अपने पूरे देश का जो उद्धार करे, जो हित करे, उसे पुरोहित कहते हैं। तो यदुओं के पुरोहित थे गर्गाचार्य, महातपा, बहुत बड़े तपस्वी थे, समस्त वेदों के ज्ञाता थे। एक दिन वे मथुरा में पधारे, उस समय वसुदेव जी गर्गाचार्य से मिले, बहुत अच्छा संवाद हुआ, बहुत अच्छा स्वागत किए, बताए कि मेरा बच्चा है नंद बाबा के यहाँ और ना जाने नंद बाबा कब नामकरण करेंगे, अतः हे ऋषि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गोकुल में जाओ और मेरे बच्चे का नामकरण करो। वसुदेव जी कहने पर गर्गाचार्य गोकुल में गए, नंद बाबा के घर पर गर्गाचार्य पधारे हैं। नंद बाबा जो कृष्ण के पिता हैं, गर्गाचार्य को बहुत सुंदर स्वागत किया। गर्गाचार्य नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे हैं, बहुत सुंदर स्वागत किया। उसी समय नंद बाबा सर्वप्रथम, सुखदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य को देखकर नंद बाबा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर अपने स्थान पर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर गर्गाचार्य को बहुत सुंदर स्वागत किया। अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म है भक्तों, और बहुत बड़ा ने सबसे बड़ा धर्म, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है किसी अतिथि का स्वागत करना। लेकिन आज तो ये सिस्टम खत्म हो चुकी है, दरवाजे में 2 गेट होते हैं, कोई आता है तो छोटा वाला गेट खोलते हैं, पूछते हैं कौन है भाई, कहाँ से आया है, क्या काम है, किससे मिलना है, कब तक रहोगे, क्या क्या करोगे। अरे भाई पहले अंदर तो बुलाओ उसे, फिर पूछो। तो स्वागत करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने पूजा किया, स्वागत की, और सबसे बड़ा अतिथि का स्वागत होता है भक्तों वाणी से। फल मेवा ना दे सको, मिल्क शेक ना पिला सको, कोई बात नहीं, लेकिन वाणी से 2 मीठे बोल तो बोलना चाहिए। कह देंगे क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे आओ भाई अंदर आके बैठ जाओ। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है भक्तों कि अतिथि की सेवा ऐसे करो, ऐसे करो कि यदि कोई दुश्मन भी घर पर आए तो वह मित्र बनकर चला जाए। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। किसी ने कहा कि चोर डाकू घर पर आया तो भी भगवान की तरह स्वागत करो, वह चोर वह डाकू अपना इरादा बदल देगा। अतिथि का स्वागत करो, और सबसे बड़ी स्वागत है वाणी से। इतिहास में एक प्रसंग है, विश्वामित्र मुनि की कथा हमने श्रवण की थी ना राम कथा में, तो इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, इनकी जन्म की कथा भी हमने श्रवण किए थे। परशुराम अवतार में हमने इनकी जन्म की कथा का श्रवण किया था। तो ये
थे क्षत्रिय, लेकिन इनकी मन में बड़ी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं ब्राह्मण बनूं। बहुत बड़ा क्रेज था इनको ब्राह्मण बनने का, और ब्राह्मण बनने के लिए वे हजारों हजार सालों तक तपस्या करने लगे। लेकिन उनकी तपस्या में अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती थी। बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, बोले मैं प्रसन्न हूं, मैं सर्टिफाई करता हूं कि तुम ब्राह्मण हो। हजार वर्षों तक और तपस्या की, देवता प्रसन्न हो गए, देवताओं ने सर्टिफाइड किया कि तुम ब्राह्मण हो। लेकिन समाज के लोग अब भी इनको ब्राह्मण नहीं मानते थे। समाज के लोगों से कहा कि आप मुझे ब्राह्मण मानो, तो समाज के लोगों ने कहा कि देखो भाई, यदि वशिष्ठ ऋषि तुम्हें ब्राह्मण का सर्टिफिकेशन दे दे, वशिष्ठ जी तुम्हें सर्टिफाइड कर दे तो तुम ब्राह्मण हो, तो हम तुम्हें ब्राह्मण मानेंगे। और उन दिनों वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को ब्राह्मण नहीं मानते थे, और विश्वामित्र की शनक गई कि वो अकेला आदमी मेरे को ब्राह्मण नहीं मानता है, है? बोले एक आदमी के चलते ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए, कोई मुझे ब्राह्मण नहीं मानता है। इनकी तो सनक गई, क्षत्रिय तो थे ही, क्या करें, मार डालेंगे और क्या। एक दिन विश्वामित्र हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी के घर पर जाकर छुप गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी के घर पर जाकर छुप गए, उनके बिस्तर के नीचे, उनके पलंग के नीचे जाकर बैठ गए, किसी को पता नहीं चला। और उस समय वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति दोनों एकांत कमरे में बैठे थे। लगता था वशिष्ठ जी को पहले से ही पता चल गया था कि विश्वामित्र जी बिस्तर के नीचे छुपे हुए, पलंग के नीचे छुपे हुए हैं, आगमन हो चुका है। तो विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर बिस्तर के नीचे छुप गए कि जब ये सो जाएंगे तो सर धड़ से अलग कर दूंगा, इसका मार डालूंगा। तो एकांत में बैठे थे वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति, और आकाश पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ था। उसी समय अरुंधति ने कहा, पतिदेव देखो तो कितना सुंदर चंद्रमा खिला हुआ है, कितना सुंदर इसकी तेज है, कितना सुंदर इसकी छटा है, कितनी सुंदर चांदनी है, कितना सुंदर प्रकाश है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये चंद्रमा उसी प्रकार चमक रहा है जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या चमक रही है। विश्वामित्र जी नीचे सोए हुए थे और प्लान बना रहे थे कि कब ये सोएगा और इसे मार डालूंगा, छुपे हुए थे नीचे। बोले विश्वामित्र की तपस्या जैसे चमक रही है, जैसे उनका प्रभाव फैल रहा है, वैसे ये चंद्रमा का प्रकाश है। तब अरुंधति ने कहा, आप विश्वामित्र को इतना मानते हो तो फिर उनको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, देवी मैं उसे ब्राह्मण कैसे कह दूं, अब तक आज तक उन्होंने क्षत्रिय के शस्त्र को हाथ से छोड़ा नहीं है, ब्राह्मण तो मैं कह दूं उनको, लेकिन हथियार तो उन्हें छोड़ना चाहिए ना, जब देखो तब कभी हथियार पकड़ लेते हैं, अभी भी हथियार लेकर कहीं घूम रहे होंगे। देखो अब वो नीचे छुपे हुए थे हथियार लेकर। जब इस प्रकार से एकांत में वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की प्रशंसा की, विश्वामित्र का हृदय गदगद हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और जो वशिष्ठ जी को मारने के लिए आए थे बाहर निकलकर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, हथियार छोड़ दिया, वशिष्ठ जी ने चरणों में गिर गए। तब वशिष्ठ जी ने उठाया और कहा कि अब आज से आप ब्राह्मण हुए। कहने का अर्थ यह है कि अतिथि का स्वागत ऐसे करें कि कोई शत्रु भी घर पर आ जाए तो मित्र बनकर जाए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य का बहुत सुंदर स्वागत किया, कहा कि गर्गाचार्य जी आज आप हमारे घर पर आए हैं, आज मैं धन्य हो गया, हमारे पितृ धन्य हो गए हैं। आप जैसे संत महात्मा जब अपने मठ मंदिरों से चलते हैं तो एकमात्र हम जैसे गृहस्थों का उद्धार करने के लिए ही चलते हैं। आपका हमारे घर पर आना मात्र हमारा उद्धार ही है, आप महान हो। क्या कहूं मैं नंद बाबा, बहुत प्रशंसा करने लगे गर्गाचार्य की। नंद बाबा ने कहा कि आप हम पर एक कृपा कीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, क्या कृपा करूं। बोले मेरे दोनों बालकों का जन्म हुए, बहुत दिन हो गया, इनका नामकरण नहीं हुआ है, आप इनका नामकरण कर दीजिए।
अब यही करने के लिए तो आए थे गर्गाचार्य जी। यही बात जब सामने से प्रस्ताव मिल गया तो अंदर से खुश थे, लेकिन बाहर से वो इनकार करने लगे कि गर्गाचार्य ने कहा कि देखो मैं यदुओं का कुल पुरोहित हूँ और यदि आपके बच्चे को नामकरण करूँगा तो कंस तो पापमती है, उसे पता चलेगा कि मैंने आपके बच्चे का नामकरण किया है तो उसे लग सकता है कि ये यदुओं का बालक है, ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा ने कहा कि एकांत में करते हैं, आज हमारे घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं, मैं और एक ये दो बच्चे ही हैं घर पर, आप एकांत में नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि देखो दीवारों के भी कान होते हैं, मैं एकांत में भी नहीं करूँगा। नंद बाबा बोले आप इस दीवार से डर रहे हो तो चलो गौशाला में चलते हैं, वहाँ कोई दीवार भी नहीं है, कोई गाय भी नहीं है, कोई मनुष्य भी नहीं है, गौशाला में जाकर हम नामकरण करते हैं। गर्गाचार्य जी मान गए। गर्गाचार्य, नंद बाबा, उनके दो पुत्र सब गौशाला में गए और सर्वप्रथम नंद बाबा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को गर्गाचार्य की गोद में रखा। गर्गाचार्य ने बड़े पुत्र का नामकरण किया, कहते हैं ये पुत्र अपने गुणों अपने लीला से सबको रमाएगा, सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम है राम। और बलाधिक्यात बलम विदो, ये बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका दूसरा नाम रखता हूँ बल। इनके दो नाम थे बल और राम, दोनों अलग अलग नाम थे, दोनों सेपरेट थे, लेकिन हम लोग दोनों साथ में ही बोलते हैं बल राम। और तीसरा नाम रखा गया शंकरसन। श्री बलराम महाराज की। तो बड़े पुत्र का नामकरण हो गया, नंद बाबा ने छोटे पुत्र को गर्गाचार्य की गोद में रखा और कहा कि अब आप इसका नामकरण करिए। गर्गाचार्य वक्त भविष्य वक्त आते, जब छोटे पुत्र को गोद में बिठाया गर्गाचार्य चमक गए, कहे कि महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये आपका बालक प्रत्येक युग में जन्म लेता है, शतयुग में श्वेत वर्ण का, त्रेता में रक्त वर्ण का और कलयुग में पीत वर्ण का, इदानीम कृष्ण ताम गत है और इस द्वापर युग में यह श्याम वर्ण का बनकर आता है, आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं, इसीलिए आप अपने बालक की ध्यान रखिए। तब गर्गाचार्य ने उस छोटे बालक का नामकरण करते हुए कहते हैं कि यह बालक सर्वाकर्षक है, आनंद घन है, जितने भी अवतार हुए हैं सब इन्हीं से हुए हैं और जितने भी अवतार हुए हैं सारे अवतार आकर इनमें मिल गए हैं, सारे अवतार इनमें एकत्र हो गए हैं, यतः मैं आपके बालक का नाम रखता हूँ कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अद्यपि भक्तों कृष्ण नाम अनित्य है, नित्य है, सृष्टि के प्रारंभ से भी ये नाम है, जैसे भगवान का प्राकट्य होता है वैसे ही इस नाम का भी प्राकट्य होता है, जैसे भगवान का प्राकट्य देवकी के माध्यम से कभी कौशल्या के माध्यम से होता है, वैसे ही भगवान के नाम का प्राकट्य कभी गर्गाचार्य के माध्यम से कभी वशिष्ठ मुनि के माध्यम से इस प्रकार से होते रहता है। तो कृष्ण नाम रखा गया श्री कृष्ण बलराम की। बहुत सुंदर भगवान के दिव्य नाम रखा गया, सारे देवी देवता प्रकट हुए, भगवान का दिव्य नाम का उच्चारण करने लगे। आइए हम भी देवी देवताओं के साथ मिलकर, ऋषि मुनियों के साथ मिलकर भगवान के दिव्य नाम का गान करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सब लोग अपने अपने स्थान पर देवी देवताओं के साथ खड़े हो जाइए और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कीजिए।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे और राम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आज मेरे अंग
नाम में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में अंगनाम में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना मीठी मीठी पत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मीठी मीठी पत्तियां मीठी मीठी पत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे आएंगे आएंगे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मीठी मीठी बत्तियां मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, मीठी मीठी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा ओ राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण बलराम
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बल राम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय शोभद्रा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय सुभद्रा कृष्ण बल जय श्री कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभु